भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज से 5,000 साल पहले कहा था। और वो ये गीत है एक प्रकार का, और वो गीत अभी भी चले आ रहा है। तब 5,000 साल पहले कहा था, वही भगवद गीता अभी भी बोल सकते हैं अभी भी फ्रेश है। उसका जो ज्ञान है कभी भी पुराना नहीं होता। आज भी लोग सदियों से, 5,000 साल पहले से कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उन्होंने भगवद गीता का अध्ययन किया, उसको पढ़ा, उसको याद किया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत प्रवचन किए, उसके ऊपर उन्होंने अपनी टीकाएं लिखी। तो बहुत बड़े ऋषि आचार्य सब आए भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अभी भी लोग भगवद गीता को पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में, सब बड़े बड़े महापुरुष नेता सबने भगवद गीता को पढ़ा, सब उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी में भी पढ़ते रहेंगे। तो भगवद गीता एक ऐसा सॉन्ग है जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। आजकल देखते हैं कुछ सॉन्ग आते हैं, कुछ समय वो ट्रेंडिंग में जाते हैं, फिर उसके बाद वो नीचे चले जाते हैं, लेकिन भगवद गीता ये हमेशा ट्रेंडिंग में रहेगा, था भी, है भी और आगे भी रहेगा। तो अर्जुन बहुत भाग्यशाली था कि आज से 5,000 साल पहले अर्जुन ने डायरेक्टली भगवान से, आज तो हम भगवद गीता अर्जुन लिख रिटन हमारे पास है, हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन अर्जुन कितने भाग्यशाली थे कि उसने भगवान से साक्षात भगवद गीता सुनी। एक ही रथ के ऊपर थे दोनों। तो कोई बोल सकता है, अरे अर्जुन अर्जुन ने भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण से सुनी थी, उसके जीवन में इस तरह, वो बहुत भाग्यशाली था, उसके जीवन में इस तरह परिवर्तन आया। हम कहाँ भगवद गीता हमें कैसे मिलेगी। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई थी वो ज्ञान अभी भी उपलब्ध है। व्यास देव ने महाभारत में इस तरह सारे वैदिक लिटरेचर लिख के दिए, उसके अंदर महाभारत में एक शांति पर्व में भगवद गीता भी दी है। तो वो 18 अध्याय 700 श्लोक अभी भी है। और जो लाभ अर्जुन ने उस समय प्राप्त किया था भगवद गीता सुन के, जिस तरह उसने उत्साह प्राप्त किया, युद्ध किया, आज भी अगर हम उस भगवद गीता को पढ़ेंगे तो पूरे उत्साह के साथ हमारे जीवन में भी वही उत्साह आ जाएगा, हम भी उस तरह भाग्यशाली हो सकते हैं। तो अर्जुन की रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण थे, तो हमारे रथ के ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, हमारे टेबल पे आ सकते हैं, स्टडी टेबल पे आ सकते हैं, ऑफिस टेबल पे भगवद गीता आ सकती है, भगवद गीता रखी रह सकती है। अर्जुन को जब भी कोई प्रश्न आते थे वो रथ में भगवान श्री कृष्ण से पूछ लेता था। हमारे जीवन में कोई प्रश्न आएंगे, हम भगवद गीता उठा के पढ़ेंगे तो जरूर हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो जो जो कुछ हमारे जीवन में आने वाला है, जो कुछ होने वाला है, बहुत सारी सारी इन्फॉर्मेशन, सारा ज्ञान भगवान ने भगवद गीता में पहले ही दे दिया है। भगवद गीता एक प्रकार से ये मैनुअल है हमारे जीवन का। तो मैनुअल को हम कब पढ़ते हैं, किसी मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, तो मशीन को ऑपरेट करने से पहले हम मैनुअल को पढ़ते हैं और उसके बाद मशीन को ऑपरेट करते हैं, ताकि मशीन ठीक से ऑपरेट हो और खराब भी ना हो। इसी तरह ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का मैनुअल है भगवद गीता। तो उसे हमें सही से पढ़ना है, ऑपरेट करना है। मान लो हमें एक जगह जाना है, एक एक लोकेशन पे जाना है, तो उसके लिए हम उसका मैप देखते हैं। तो एक तो हो सकता है कि हम अपना दिमाग लगा के उस लोकेशन पे जाने का प्रयास करें, फिर रास्ता खो जाए, भटक जाए, फिर किसी से, फिर उसके मैप को देखें, फिर मैप से रास्ता, सही रास्ता लेके फिर जाएं। और दूसरा हो सकता है कि हम पहले ही मैप देख लें और सीधे उसी रास्ते से जाएं, ताकि हम इधर उधर भटकने का जरूरत ही नहीं है। कितना समय बर्बाद हो जाएगा अगर भटक जाएंगे फिर सही रास्ते पे आएंगे, कितना समय चले जाता है। और सबसे अच्छा कब होगा, एक बार हो सकता है कि हमने एक बार मैप देखा फिर उस रास्ते पे जा रहे हैं, और फिर हो सकता है रास्ते में भटक गए हो, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि हम हमेशा मैप देखते रहें। आजकल जिस तरह होता है, हम गूगल लोकेशन, एकदम गूगल हमें मैप दिखाता रहता है हमेशा, थोड़ा सा आगे चलेगा फिर बोलेगा टर्न राइट, फिर बोलेगा टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, थोड़ी देर बाद फिर टर्न लेफ्ट। उस तरह अगर जाएंगे तो फिर कभी रास्ता भटकने का चांस ही नहीं है, एकदम सही लोकेशन पे जाएंगे, क्योंकि हमेशा हम गूगल मैप के अनुसार चल रहे हैं। इस तरह अगर हमारे जीवन में हम हमेशा भगवद गीता को हाथ में लेके भगवद गीता के ज्ञान के अनुसार चलेंगे, अभी इस रास्ते से, फिर इस रास्ते से, हमेशा हमेशा, तो गलत रास्ते या गलत लक्ष्य पर पहुंचे इसका कोई
ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवद गीता उस तरह एक मैनुअल है हमारे जीवन में, हमें उसे हमें पढ़ना चाहिए और ये इसको लिखना चाहिए। रोज हम भगवद गीता इस तरह पढ़ेंगे सुनेंगे तो एक नया चैप्टर हमारी लाइफ में शुरू होगा। एक इस तरह बताते हैं कि जीवन हमारा जो लाइफ है एक अगर हम एक पुस्तक में हमारा ऑटोबायोग्राफी लिखें तो एक पुस्तक का हर दिन हमारी लाइफ का एक एक पेज में हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। हमारी जीवन एक अगर किताब की तरह है तो हर दिन एक एक पेज है, हर हर साल एक नया नया चैप्टर है। 2019 एक चैप्टर था, 2020 एक चैप्टर, 2022 एक चैप्टर चल रहा है। तो बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे जीवन के और अभी कितने चैप्टर बाकी है पता नहीं, लेकिन अभी अभी हमारे पास हमारी कॉपी में हम कुछ लिख रहे हैं, अभी खाली है जो किताब हम लिख रहे हैं वो। तो अगर हम भगवद गीता पढ़ के अगर जो हमने अभी तक लिख दिया लाइफ की बुक में हम कभी फिर से उसको थोड़ा सा रिटर्न कुछ पेज पलट के कभी देखना चाहिए कि क्या खुश है, क्या उससे अच्छा लग रहा है, अभी तक जो किया बहुत अच्छा है। तो सेटिस्फाइड तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, लेकिन आने वाले जो पेज है हमारी लाइफ में तो उसे हमें उसमें ऐसा कुछ लिखना चाहिए उन पेजेस में जो रियल में काउंट हो। भगवान को हम मान लो ये जीवन की किताब हमें एट द एंड ऑफ लाइफ वी हैव टू गिव भगवान को वापस देनी पड़ेगी, हमें इस तरह किताब मिली है फिर से वापस देना है भगवान को। तो वापस देंगे तो भगवान चेक करेंगे कॉपी क्या किया है इसने पूरे जीवन में, तो कॉपी चेक करेंगे तो ऐसा नहीं कि सब में जीरो नंबर मिले। तो कुछ अगर अच्छा लिखेंगे, भगवद गीता हम पढ़ेंगे सुनेंगे उसके अनुसार कुछ जिएंगे तो भगवान कुछ नंबर देंगे हमें, कम से कम पास हो जाए हम इस जीवन लाइफ के एग्जाम में। इसीलिए हमें भगवद गीता को जीवन में उतारना चाहिए और भगवद गीता जिन अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। भगवद गीता में हम देख सकते हैं भगवद गीता की शुरुआत में और भगवद गीता के एंड में तो दो अर्जुन हैं। एक अर्जुन तो भगवद गीता के शुरुआत में था और दूसरा अर्जुन भगवद गीता के एंड में था। तो पहला वाला अर्जुन किस प्रकार है जिसने भगवद गीता नहीं सुनी है वो अर्जुन क्या है, थोड़ा सा आप उसके बारे में अगर कुछ जानते हैं। वो अर्जुन जिसने भगवद गीता नहीं सुनी है भगवद गीता के पहले अध्याय में वो किस प्रकार का अर्जुन है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कुछ, किस प्रकार का वो अर्जुन है जिसने भगवद गीता नहीं सुनी है। एक आंसर आया मोहग्रस्त है, ठीक है मोहग्रस्त है और फियरफुल है, डर रहा है वो, ठीक है कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करना है, युद्ध करना है कि नहीं करना है, लड़ना नहीं लड़ना है, वो एक अर्जुन है। एक आंसर आया डाउटफुल है और शंका है क्या करना चाहिए, गुरु है बड़े बड़े लोग हैं इनके ऊपर तीर चलाऊं कि नहीं चलाऊं। एक आंसर आया नॉट कॉन्फिडेंट, उत्साह नहीं है उसके अंदर, होपलेस है, जो पहला भगवद गीता के शुरुआत वाला अर्जुन जिसने भगवद गीता नहीं सुनी है वो अर्जुन की बात कर रहे हैं। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत उत्साह उसका कम हो गया है। अर्जुन का इतना उत्साह कम हो गया, इतना होपलेस हो गया था कि वो बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना मुझे, आई वॉन्ट टू क्विट, इस तरह बोलना चाह रहा है। आजकल भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जीवन से, हताश हो जाते हैं, फिर वो भी आई वॉन्ट टू क्विट इस तरह बात करते हैं, लेकिन अर्जुन भी उसी तरह बात कर रहा था। तो उस तरह मतलब वो बोल रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं भीख मांग के रह लूंगा, इस तरह अर्जुन बोल रहा था। और वो अर्जुन किस प्रकार है, भ्रमित है, ठीक है अज्ञानी एज वेल एज कंफ्यूज, उसमें अंदर ज्ञान नहीं है। वॉन्ट टू टेक संन्यास फ्रॉम हिज ड्यूटी, ठीक है पीछे हटना चाहता है, वो डर रहा है कैसे रिलेटिव से युद्ध करे, कंफ्यूज है, ठीक है। तो पहला वाला अर्जुन ये है, तो ये पहला अर्जुन है। फिर इस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई, कृपण बुद्धि है, ठीक है। तो इस अर्जुन ने फिर भगवद गीता सुनी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। तो फिर ये अर्जुन भगवद गीता के एंड में किस प्रकार का हो गया,
दूसरा वाला अर्जुन किस प्रकार का है जिसने भगवत गीता सुनी, वो अर्जुन किस प्रकार का है अभी कौन बताना चाहेंगे? आप फिर से बता सकते हैं, दिव्य ज्ञानी है, विमोहित है, उसके अंदर मोह नहीं है, और कंपेशनेट है, क्लियर्ड सोल, रियल हीरो है वो अर्जुन वास्तव में. ओके, वेल नोन ऑफ हिज ड्यूटीज, अभी इतना इतना वो अच्छे से उसने युद्ध किया, आज सब लोग उसको उस अर्जुन के नाम से विख्यात है. अर्जुन फेमस हो गया, दुर्योधन फेमस नहीं हो गया, भक्त बन गया अर्जुन, फुल ऑफ नॉलेज, उसको ज्ञान था, निष्ठा आ गई, निडर हो गया, कॉन्फिडेंट आ गया, सेल्फ रियलाइज्ड भक्त बना, फियरलेस. तो ये दूसरे अर्जुन के गुण है जिसने भगवत गीता सुनी. तो एक अर्जुन है भगवत गीता जिसने नहीं सुनी, दूसरा है जिसने भगवत गीता सुनी. तो जो जो सिचुएशन अर्जुन के जीवन में आई, इस तरह सिचुएशन सबके जीवन में आने वाली है, सबके जीवन में उस तरह सिचुएशन आएगी, कभी टेंशन रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, फियर आएगा. तो उस सिचुएशन में क्या हम भगवत गीता को अगर पढ़ेंगे? अर्जुन के जीवन में तो भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने भगवत गीता सुनाई, लेकिन उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया हमें भगवत गीता सुनाने के लिए. तो हम सबको भगवान भगवत गीता का ज्ञान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह अर्जुन के माध्यम से हमें गीता सुनाई. तो हमें उस गीता का ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए. और अर्जुन के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, तो कृष्ण उसके मित्र के रूप में आ गए और कृष्ण से उसने अपने मन की बात रखी. तो इस तरह अगर कोई भगवान के भेजे हुए भक्त हमारे जीवन में है, हम उनका आश्रय ले सकते हैं. भगवान ने भगवत गीता भेजी, उस भगवत गीता का आश्रय ले सकते हैं. तो भगवान ने अर्जुन की समस्या सोल्व करी, वो हमारी भी समस्या भगवत गीता के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं, करेंगे अगर हम भगवत गीता को पढ़ेंगे. तो ठीक है, और थोड़ा सा भगवत गीता कर देते हैं. लेकिन जब इतना भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं है. तो अगर हम किसी को, सबके पास भगवत गीता से बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेंगे, भगवत गीता के साइज से डबल साइज का वो नॉवेल पढ़ लेंगे, 10th 11th 12th में जो स्टूडेंट जो बुक्स पढ़ते हैं वो उसके साइज भगवत गीता से बहुत ज्यादा है, वो सब पढ़ लेंगे. लेकिन जब भगवत गीता पढ़ने की बात आती है तो भगवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं. तो अभी थोड़ा सा फिर से आपके लिए समय है. क्या क्या लोग एक्सक्यूज देते हैं, व्हाट आर द एक्सक्यूजेस दैट पीपल गिव दैट दे आर नॉट एबल टू रीड गीता, भगवत गीता हम पढ़ नहीं पा रहे हैं हमारे पास. तो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या एक्सक्यूज देते हैं आप बता सकते हैं? आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो क्या एक्सक्यूज देते हैं लोग भगवत गीता नहीं पढ़ने के? तो एक टाइम का एक्सक्यूज देते हैं, टाइम नहीं है. ओके, समय नहीं है, समझ नहीं आती, मन नहीं लगता. एक मिनट. तो टाइम का एक्सक्यूज देते हैं और समझ नहीं आती, ओल्ड, विल रीड आफ्टर गेटिंग सेटल, इस तरह बोरिंग है ये भी कहते हैं. अच्छा, बोरिंग है, पढ़ नहीं पाते, पढ़ तो सकते हैं, संस्कृत हिंदी में है, लेंदी है बहुत. नॉट इंटरेस्ट नहीं आ रहा है भगवद गीता में, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई होती है तो गलत है. अच्छा, इस तरह लोग बोलते हैं कि लड़ाई होती है. टीवी में देख लिया ऐसा बोलते हैं कि हमने टीवी में देख लिया. अच्छा, टीवी में देख लिया गीता, ठीक है. तो अभी कुछ कुछ दो चार डाउट्स को हम चेक भी कर लेते हैं. तो अगर कोई इस तरह बोला कि मैं भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरे जीवन में टाइम नहीं है, समय नहीं है, क्यों मैं भगवद गीता पढ़ूं, इतना कुछ करना है हमें, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोले कि उसको हम कन्विंस कर दे कि नहीं नहीं भगवद गीता पढ़नी चाहिए? अगर कोई इस तरह एक्सक्यूज दे रहा है, मेरे पास समय नहीं है भगवद गीता पढ़ने का, आप उसको क्या बोलेंगे जिससे वो भगवद गीता पढ़ने के लिए रेडी हो जाए?
आने लगे बहुत सारे आंसर। 2 मिनट, 2 मिनट्स अ डे 1 वर्ष, तो बोले 2 मिनट निकालिए, रोज एक श्लोक पढ़िए, एक श्लोक में 2 मिनट लगेगा। और तो भगवत गीता पढ़िए, आपका जीवन सकारात्मक रूप से चेंज हो जाएगा। आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं जीवन लाइफ चेंज करने के लिए, तो भगवत गीता ही पढ़िए, अलग मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, 1 पेज डेली, 1 पेज पढ़िए, 1 पेज पढ़ेंगे तो बी ए सेज पेज बाय पेज। 1 पेज पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, 1 पेज से ज्यादा तो लोग दिन में व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेते हैं, और उससे ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब इतना उसमें ज्यादा समय दे देते हैं 1 पेज पढ़ने के लिए हम बोल सकते हैं। और हम बोल सकते हैं कि इस तरह पेज पढ़ेंगे तो बी अ सेज, तो बोल सकते हैं बी अ सेज पेज बाय पेज, स्किप द केज बिफोर योर एज। और बोल सकते हैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हैं, रात में सोने से पहले पढ़ सकते हैं, तो बोले सुबह जल्दी उठकर थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पढ़ सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भगवत गीता इज लाइक गूगल मैप ऑफ योर लाइफ, ये आपके जीवन का गूगल मैप है, किधर जाना है बता देगा, रास्ता डायरेक्शन बताएगा, लाइक ए मैन्यू ऑफ लाइफ। इस तरह हम बताएंगे ग्रेट पर्सन रीड भगवत गीता, जो हम उसको बोलेंगे कि जो महान व्यक्ति है भगवत गीता पढ़ते हैं, तुम पढ़ो तुम भी महान हो जाओगे। ठीक है, डेली 2 श्लोक पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि यदि मोबाइल रोज 1 घंटे चलाते हो, 1 घंटे से तो ज्यादा ही चलाते हैं, 1 घंटा छोड़ नहीं सकते हाथ से, 1 घंटा अगर मोबाइल हाथ में नहीं रहेगा तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल कहाँ है मोबाइल कहाँ। तो व्यक्ति इस तरह दिन में कितने घंटे मोबाइल चला लेते हैं, उसका अगर 1/10 भी अगर गीता में देंगे तो बहुत पढ़ लेंगे दिन में गीता। तो ये भगवान का दिव्य सॉन्ग है, हाउ टू डील विथ डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, जीवन की जो कठिनाई है उसको कैसे करें, इसके ऊपर ये भगवान का सॉन्ग है। भगवत जीवन में भगवत रियलिटी ऑफ लाइफ इज इन भगवत। आप अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, यू विल सी योर बेटर वर्जन, इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम एज अर्जुन इज क्लियरिंग ऑल द डाउट्स ऑन अवर बिहाफ। अर्जुन हमारी तरफ से बहुत सारे प्रश्नों को क्या, ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए आप सभी ने कि हमें क्यों भगवद गीता पढ़नी चाहिए, समय है फिर भी निकालना चाहिए समझ समय। और कोई बोलेगा अगर समझ में नहीं आती भगवद गीता तो अरे कितना कुछ समझ में नहीं आता है, स्कूल में जाते क्या सब कुछ समझ में आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आसानी से समझ में नहीं आता है, बहुत कुछ है हमने पढ़ाई में करते करते बहुत कठिन था समझने में उसको भी हमने पढ़ा, केमिस्ट्री की कितनी रिएक्शन समझ में नहीं आती, और केमिस्ट्री कितनी रिएक्शन समझ में नहीं आती रट लेते थे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो ईडी समझ में नहीं आती, तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता उसको भी हम पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, उसकी कोचिंग लगाते हैं और पढ़ के उसको पास कर लेते हैं। तो भगवद गीता वैसे तो कठिन नहीं है, अगर लग भी रहा है कठिन है तो उसके लिए कोचिंग कर लो, कोर्स करो भगवद गीता, समझने का प्रयास करो तो समझ में आ जाएगी। फिर अगर कोई बोला नहीं भगवद गीता तो बूढ़े लोगों के लिए है, आंसर आ रहा है बहुत सारा। तो ये अपडेट सॉफ्टवेयर ऑफ ह्यूमन माइंड एंड सोल, तो हमें विचार करना चाहिए भगवान से। तो कोई अगर बोले भगवत गीता तो हम बुढ़ापे में पढ़ेंगे, अभी क्यों पढ़ें, थोड़े बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, जब रिटायर हो जाएंगे तो तब तो पढ़ेंगे ही, तब तो पढ़ना ही है, बोले अभी भी पढ़ो। सीखने की उम्र बचपन की होती है, तो बचपन में ही अगर सीखेंगे पढ़ेंगे समझेंगे तो पढ़ पाएंगे। और हम बोल सकते हैं यू नीड टू नो वेदर यू हम ओल्ड हो गए कि नहीं, बूढ़े होंगे भी कि नहीं, वो किसको पता है, जवानी में नहीं रहे तो इसलिए बचपन में पढ़ लेना चाहिए, इससे पहले कि हमारे जिंदगी की किताब के पन्ने खत्म हो जाए उस पन्नों के अंदर भगवद गीता लिख लेना चाहिए, ताकि भगवान जब वो किताब चेक करेंगे तो उसमें भगवद गीता के श्लोक देखेंगे कि अच्छा इसको ये श्लोक याद है, इतना याद है, तो कुछ नंबर मिलेंगे पास हो जाएंगे। तो इससे पहले पेज कितने पेज बचे हैं नहीं पता, इस लेकिन पेज अभी तो खाली है, खाली पेज में हमें भगवद गीता लिख लेनी चाहिए। और
इस तरह बहुत सारे रीजंस हम दे सकते हैं लोगों को भगवद गीता पढ़ने के लिए। और तो हम शुरू करते हैं कुछ। तो भगवद गीता कोई बोल सकता है, अरे भगवद गीता क्यों पढ़े, हम तो बहुत व्यस्त है। अरे अर्जुन कितना व्यस्त था, अर्जुन किसी स्थिति में भगवद गीता सुनने के लिए तैयार है। दोनों तरफ दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए तैयार हैं, शंख बज गए हैं, युद्ध शुरू हो गया है। उस सिचुएशन में अर्जुन परेशान हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन थी। और वहां भी अर्जुन ने समय निकाल के भगवद गीता सुन ली। ऐसी सिचुएशन जहां लोग बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते, ऐसी सिचुएशन में अर्जुन ने समय निकाल के भगवद गीता सुनी। तो अब हम बोल सकते हैं कि हम अर्जुन से ज्यादा व्यस्त तो नहीं है, अर्जुन से ज्यादा बड़ा हमारा पोस्ट पोजीशन भी नहीं है, अर्जुन से ज्यादा गृहस्थी भी नहीं है किसी की। अर्जुन की 4 पत्नियां थी, और इस तरह हर तरीके से अर्जुन ज्यादा व्यस्त है। तो वो ऐसी इमरजेंसी में अर्जुन ने समय निकाल के भगवद गीता सुन ली। इस तरह की इमरजेंसी में हमें भगवद गीता समय निकाल के सुन लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जैसे भी समय निकले, कहीं ना कहीं से समय निकल के हम भगवद गीता पढ़ें। तो एक लास्ट सेशन अभी हम चर्चा करके फिर इसको एंड कर देंगे। आज तो बस एक इंट्रोडक्शन है, कल से हम सेशन शुरू करेंगे। तो भगवद गीता भगवद गीता सुनते सुनते, भगवद गीता पढ़ते पढ़ते, इस तरह भी हो सकता है। बहुत सारे लोग भगवद गीता हमेशा उनके पास में है, अगर भगवद गीता देने जाएंगे बोलते नहीं हमारे पास है, भगवद गीता है हमारे पास, और भगवद गीता भी है लेकिन उनके जीवन की समस्याएं नहीं जाती, और उनके जीवन में भी समस्याएं भी है और उनके पास भगवद गीता भी है। भगवद गीता क्योंकि वो भगवद गीता को कभी खोलते खोलते नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, भगवद गीता को बस उन्होंने रख के रखा है और उसको लाल कपड़े में बांध दिया है, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है। तो एक पुस्तक है, पुस्तक का सम्मान पढ़ के होता है, रूप का सम्मान देख के होता है। तो पुस्तक का सम्मान पढ़ के होगा, उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ही लाभ होगा। इस तरह अर्जुन भगवद गीता के पहले अध्याय में अगर हम देखें तो कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ साथ में थे, लेकिन अर्जुन बहुत परेशान था। उस समय भी कृष्ण उसके साथ में थे, लेकिन अर्जुन बहुत परेशान था, रो रहा था, हताश हो गया था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने गांडीव को रथ के पीछे रख दिया। इस तरह अर्जुन उस स्थिति में अर्जुन था। तो उस अर्जुन ने और उसके पास में भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन फिर भी उसके जीवन में समस्याएं थी। शुरुआत के अर्जुन के पहले अध्याय पहले चैप्टर का अर्जुन, उसके जीवन में समस्याएं थी। तो लेकिन जब अर्जुन ने भगवान को शरणागत हुआ, अर्जुन के सामने अर्जुन ने भगवान को अपनी समस्या बताई, तो भगवान ने बोलना शुरू किया। और फिर भगवान ने बोला, अर्जुन ने सुना, तब उसके जीवन की समस्याएं खत्म हुई। तो इस तरह रोज हम मंदिर आते हैं, केवल तो आ रहे हैं, प्रणाम करके चले जा रहे हैं, एक मैकेनिकली चल रहा है, उससे भी हमारे जीवन की समस्याएं नहीं होंगी। हमें भगवान कृष्ण के जो उपदेश हैं उनको हमारे जीवन में उतारना होगा, तब हमारी जीवन की समस्याएं सॉल्व होगी। तो इस तरह हमें हम भगवान के बहुत पास में हो सकते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ सकते हैं। इस तरह अर्जुन भगवान के बहुत पास में था, भगवान श्री कृष्ण उसका रथ चला रहे थे, फिर भी वो बहुत कष्ट में था। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ कष्ट आ सकते हैं, और अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे, भगवान को इस तरह भगवान का आश्रय लेंगे भगवद गीता के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, तो जीवन में कुल मिला के भगवान के जो उपदेश है, उन उपदेशों को हमें ग्रहण करना है, हमारे जीवन में उतारना है, तभी भगवद गीता का वास्तविक लाभ हमें होगा। तो हमने 40 मिनट डिस्कशन कर लिया, तो रोज अराउंड 40 मिनट ही, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 40 40 मिनट, 40 45 मिनट डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद तो अभी हम भगवद गीता एकदम शुरू नहीं कर पाए, कल से हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, लेकिन गीता महात्म्य का एक श्लोक आज चर्चा कर लेते हैं, जिससे
भगवद गीता की एक शुरू हो जाएगा। तो भगवद गीता के गीता महात्म्य का पहला श्लोक है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम ये डेटा भेज दिया सभी को, आपको आप देख सकते हैं। तो भगवद गीता के गीता महात्म्य में एक श्लोक आता है, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्वो उपनिषदो गाओ, जो जो सारे उपनिषद है, जितना भी वैदिक ज्ञान है, उसका निचोड़ अगर हमें चाहिए तो सर्वो उपनिषदो गाओ। सारे उपनिषद, सारा जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, सबको एक गाय से तुलना किया, तो सब अगर गाय के समान है, तो गाय का जो सार है वो होता है दूध, और गाय का सार दूध हमें मिलता है इसके माध्यम से, एक ग्वाले के माध्यम से। ग्वाला वाला ग्वाला क्या करता है, गाय को दोहता है और हमें दूध देता है। तो सारे उपनिषद गाय के समान है, और जो भगवान है उनका नाम है गोपाल, भगवान गायों का दूध देते हैं तो गोपाल हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे उपनिषद रूपी गाय का सार निकाला दूध के रूप में। तो वो जो दूध क्या है, दुग्धम गीता अमृतम महत, वो जो दूध है गाय का वो है भगवत गीता अमृत, जो अमृत के समान है। तो सर्व उपनिषदों गाओ, सारे उपनिषद गाय के समान है, और गाय को दोहने वाला जो ग्वाला है वो भगवान श्री कृष्ण है, और उस गाय का जो सार है वो श्री कृष्ण ने हमें दिया है दूध के रूप में। तो अगर दूध मिल जाएगा तो बस और क्या चाहिए। पहले लोग गांव में लोग गाय रखते हैं ताकि उन्हें दूध मिलता रहे, लेकिन दूध अगर मिल जाएगा आर्टिफिशियली, सांची से मिल जाएगा या कहीं से मिल जाएगा, तो फिर गाय की क्या जरूरत है, गाय रखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों गाय रखें। तो पता चले वो दूध भी है कि नहीं, किसका दूध है पता नहीं, लेकिन लोगों को आज वर्तमान में दूध मिल जा रहा है इसलिए उनको गाय की आवश्यकता पता नहीं चली। लेकिन पहले जमाने के लोग शुद्ध दूध पीते थे, तो गाय रखते थे, गाय की सेवा करते थे और गाय से दूध प्राप्त करते थे। तो गाय का जो अमृत है वो है दूध, तो इसी तरह वो अमृत मिलता है बाल गोपाल के द्वारा। तो भगवान इस तरह वैदिक ग्रंथों का जो अमृत है वो है भगवद गीता, तो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने हमें दी है। और जिस तरह गाय दूध निकालने से पहले बछड़े की आवश्यकता होती है, गाय बछड़े को पहले दूध देती है फिर बाकी सबको दूध देती है, इसी तरह जो अर्जुन है वो बछड़े के समान है। अर्जुन को भगवान ने बछड़ा बनाया और उसके माध्यम से हम सभी को भगवद गीता रूपी दूध दे रहे हैं। तो हमें शुद्ध दूध जो गाय से मिलता है, हमें जो ग्वाला हमें देता है, वो दूध लेना चाहिए भगवद गीता के रूप में, ना कि जो एकदम आर्टिफिशियल दूध आ रहा है पता दूध है भी कि नहीं, वो दूध लेंगे वो सार है कि नहीं पता नहीं। तो जिस तरह आर्टिफिशियल दूध मिलता है, इस तरह आर्टिफिशियल ज्ञान भी मिलता है। बहुत सारे लोग भगवद गीता के नाम पे, जिस तरह बिना दूध के नाम पे दूध दे देते हैं, दूध के नाम पे हमें लोकल नकली दूध भी मिल जाता है, इसी तरह भगवद गीता के ज्ञान के नाम पे कि ये गीता का ज्ञान है, कुछ दूसरा ज्ञान भी दे देते हैं। तो वहां भी हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें शुद्ध ज्ञान ले भगवद गीता, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, इसी तरह ज्ञान हम भगवद गीता ग्रंथ से वैष्णव आचार्यों की टीका के माध्यम से ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राज।